बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कमीज़ की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले कमीज़ की कटिंग की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको कटिंग और स्टिचिंग में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम कमीज़ की कटिंग करेंगे और फ्रंट नेक का पैटर्न हम स्टिच करेंगे। कमीज़ की ये राइट साइड होगी और फिर हम उस पर पैटर्न को इस तरह से सेंटर में सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर बुकरम के साथ साथ हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम हम जिस तरह का नेक पैटर्न बना हुआ है, सेम हम उसी तरह से यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। नेक पैटर्न को किस तरह से कटिंग करते हैं और उसको किस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं, ये सारी डिटेल में पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं नेक पैटर्न हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम ये नेक पैटर्न को कमीज से स्टिच कर लेंगे। नेक पैटर्न स्टिच होने के बाद हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस साइड पर, हम ये सारा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। जिस तरह का हमारा नेक पैटर्न बना हुआ है, हम सेम उसी तरह से यहाँ पर 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम नेक पैटर्न की कटिंग करेंगे। 1/4 इंच का हम फैब्रिक छोड़ेंगे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। इसके बाद हम नेक के कॉर्नर पर ये फैब्रिक को टर्न करके स्टिच कर देंगे। पूरे नेक राउंड पर इसी तरह से हम स्टिचिंग को लगा देंगे। इसके बाद हम नेक पैटर्न को रॉन्ग साइड पे पलट देंगे। पलटने के बाद हम राइट साइड पर इस तरह से नेक पर टॉप स्टिच करेंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम टॉप स्टिच करेंगे। नेक पैटर्न को हम अच्छी तरह से सेट करते हुए हम टॉप स्टिच लगा देंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, मेरा नेक पैटर्न के टॉप पर स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर अब बैक पैटर्न की स्टिच करेंगे। ये हमारा बैक पैटर्न है। बैक पैटर्न को हम इस तरह से बैक पार्ट पर रखेंगे। बैक पार्ट की राइट साइड होगी। कपड़े की राइट साइड पर हम इस तरह से बैक पार्ट के नेक के पैटर्न को इस तरह से रखेंगे और फिर 1/4 इंच का कपड़ा का गैप देते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, या फिर एक पैर की सिलाई के बराबर हम यहाँ पर इसी तरह से पैटर्न को घुमाते जाएंगे और फिर बैक नेक की हम स्टिचिंग कर देंगे। ये हमारी बैक नेक की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा, ट्रेड होगा, हम उसकी कटिंग कर देंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ पर नॉच लगा देंगे। पूरे नेक पर हम इसी तरह से नॉच लगाकर नेक पैटर्न को इस तरह से हम टर्न करेंगे और इस पर हम टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सेम इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। पूरे नेक पर हम इसी तरह से स्टिचिंग करने के बाद हम शोल्डर हम स्टिच करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को हम मैच करते हुए हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर स्टिच करेंगे। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट की सीधी साइड को रखेंगे और फिर फ्रंट पार्ट के उल्टी साइड को हम इस तरह से रखेंगे। बैक पार्ट का जो नेक पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम राइट साइड पर फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से टर्न करके यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सेम इसी तरह से हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट के नेक के पैटर्न को हम इस तरह से टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर 1/2 इंच के बराबर कपड़े को
बैलेंस करते हुए यहाँ पर हम शोल्डर पर स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर को हम स्टिच करने के बाद इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे और नेक के पट्टी को हम इस तरह से खींचेंगे। खींचने पर ये सीधी हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर पर फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच करेंगे। ये शोल्डर की स्टिचिंग लाइन पर एक और हम स्टिच कर देंगे, इससे शोल्डर की अच्छी सी फिनिशिंग हो जाएगी। यहाँ पर हमारा नेक पैटर्न भी स्टिचिंग हो चुका है, शोल्डर भी ज्वाइंट हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करेंगे। ये हमारा स्लीव्स का बॉटम है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम स्टिचिंग कर देंगे। दोनों स्लीव्स पर हम सेम इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को कमीज से स्टिच करेंगे। ये कमीज की आर्म होल है, आर्म होल से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। कमीज का राइट साइड होगा और स्लीव का रॉन्ग साइड होगा। इस तरह से हम पूरे स्लीव राउंड पर स्टिचिंग कर देंगे। डबल स्टिच हम यहाँ पर करेंगे। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को हम स्टिच कर देंगे। स्लीव्स की आर्म होल की स्टिचिंग होने के बाद हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। जिस तरह से हम फिटिंग की मार्किंग यहाँ पर कर चुके हैं, सेम हम मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है, अब मैं यहाँ पर चेस्ट पर स्टिच कर रही हूँ। स्लीव्स पर स्टिचिंग हो चुकी है, चेस्ट से लेकर अब मैं वेस्ट पर स्टिचिंग कर रही हूँ। ये हमारी वेस्ट आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा कर्व है तो हम इस तरह से कपड़े को पलटाएंगे और फिर यहाँ से हम हिप पर पहुँचेंगे और फिर यहाँ पर हम 3 से 4 सिलाई इसी तरह से हम लगा देंगे और निडिल को अंदर रखेंगे, कपड़े को घुमाएंगे और फिर दूसरी स्टिच हम यहाँ पर देंगे। 1/4 इंच का हम यहाँ पर गैप रखेंगे, दोनों स्टिचिंग के बीच में 1/4 इंच का गैप रखते हुए हम ये सिलाई को हम पूरा स्लीव्स तक हम स्टिच करेंगे। स्लीव्स की एंडिंग तक हम इसको स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारी कमीज की फिटिंग की भी स्टिचिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर साइड से नॉचेस लगा देंगे, इस तरह से 1 इंच के गैप पर इस तरह से 1/2 इंच के कट्स लगा देंगे। क्योंकि ये कर्व एरिया होता है तो टर्निंग थोड़ा सा मुश्किल होती है फिटिंग में। इस तरह से हम कट लगाने के बाद यहाँ पर हम चाक की फोल्डिंग करेंगे। ये चाक है, इसको हम 1 इंच का कपड़ा छोड़े थे तो हम 1 इंच के कपड़े को बैलेंस करते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर चाक को फोल्ड करेंगे। कपड़े को हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, बिल्कुल बैलेंस करते हुए हम चाक की फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से हम बैलेंस करेंगे कपड़े को और फिर ऊपर की तरफ हम इस तरह से निडिल को यहाँ पर रोक देंगे। काज से 1/2 इंच ऊपर तक हम इसी तरह से स्टिच करेंगे, निडिल को रोक देंगे, कपड़े को पलटाएंगे और फिर इसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से हम स्टिच करेंगे। कॉर्नर पर रुक जाएंगे, निडिल को अंदर रखेंगे और फिर कपड़े को घुमाएंगे और फिर कपड़े को हम बैलेंस करेंगे दोबारा अच्छी तरह से। सेम स्टिचिंग हम फिर करते जाएंगे, एंड तक हम सेम इसी तरह से हम स्टिच करेंगे और दूसरी साइड का भी चाक हम सेम इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। ये हमारे चाक की भी स्टिचिंग हो चुकी है। अगर आपको चाक पर पाइपिंग लगाना है तो इसकी वीडियो भी अपलोड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल मेथड के साथ
चाक पर पाइपिंग लगा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम इसके बाद यहाँ पर घेरे की फोल्डिंग करेंगे। घेरे की फोल्डिंग के लिए हम यहाँ पर पहले कपड़े को आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोबारा इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल स्टिच दे देंगे। सेम इसी मेथड के साथ हम पीछे का भी घेरा स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम कमीज़ को राइट साइड पर टर्न करेंगे और पूरे कॉर्नर पर हम इसी तरह से सिंपल स्टिच हम दे देंगे। चाक पर भी हम सेम इसी तरह से कॉर्नर पर स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम अपनी कमीज़ को बड़ी ही आसानी के साथ स्टिचिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये हमारी पूरी स्टिचिंग हो चुकी है कमीज़ की। इसके बाद हमारी ये कमीज़ की फाइनल लुक इस तरह से है। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।